तो मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं अपने खुद के चैनल टेक्निकल जी। चलिए आज की टेक्निक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आज की वीडियो जहां पर पहली टेक न्यूज निकल कर आ रही है हुआवे की तरफ से, जहां पर हुआवे लॉन्च कर सकता है अपना M13 और इसमें एक नया चिपसेट हो सकता है जो कि है किरण का 985 प्रोसेसर, और ये किसी और मोबाइल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये कंपनी के द्वारा नया चिपसेट लॉन्च किया जाएगा और इसमें आपको 5G मॉडम देखने को मिल जाएगा। और अगर इसकी और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको इसमें 5 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। और यही थी कुछ लीक जो इसी फ़ोन को लेकर निकल कर आ रही थी। और अगली टेक न्यूज की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज निकल कर आ रही है मोटोरोला की तरफ से, जहाँ पर अन्य कंपनी जैसे शाओमी जैसी कंपनी अपना 48 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप ली है, वहीं मोटोरोला भी किसी से कम नहीं, वो भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा लाने की सोच है। और आपको मोटोरोला वन वीजन देखने को मिलता है और इस 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और ये कुछ आप देख पा रहे हैं, पंच होल डिस्प्ले, डुअल कैमरा सेटअप विद फ्लैश, और बैक में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें आपको बैटरी 3500 मिली एम्पायर की दी जाएगी, 18 वॉट का आपको यहाँ पर चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें प्राइस जो कि होगा 20,000 रुपये से कम रखा जाएगा। और यही थी कुछ अपडेट जो इसी मोटोरोला के फ़ोन को लेकर निकल कर आ रही थी। जैसे कोई और अपडेट आती है तो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और अगली टेक न्यूज की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज निकल कर आ रही है शाओमी की तरफ से, जहाँ पर शाओमी रेडमी Y3 लॉन्च हो सकता है जल्द। पहले शाओमी ने लॉन्च किया Y1, Y2 और उसके बाद अब लॉन्च हो सकता है Y3। और यहाँ पर कुछ लीक निकल कर आ रहे हैं, इसकी कीमत हो सकती है जो कि 10,000 रुपये से कम। और इसकी मेन बात करें तो इसमें आपको अल्ट्रा HD सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाईफाई इसमें 8.211 BGN सपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। हाल ही में सामने आई तस्वीर में पता चल रहा है कि इसमें आपको अल्ट्रा HD सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। और यही थी कुछ लीक जो इस फ़ोन को लेकर निकल कर आ रही थी। जैसे कुछ और अपडेट आती है तो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि है पबजी को लेकर। पबजी चलाने वाले यूज़रों के लिए एक बैड न्यूज़ है, अगर आप भी पबजी चलाते हैं तो आपको अब कंपनी द्वारा इसे कुछ लिमिटेड किया गया है। अब आपको 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे ही पबजी खेल पाएंगे, उसके बाद आपको कुछ रिमाइंडर हेल्थ रिमाइंडर के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसके बाद आप इसे नहीं खेलेंगे। और इसके बाद आप इसे 24 आवर के बाद ही इस गेम को खेल पाएंगे। यही एक बढ़िया फीचर लगाया है जो कि इस कंपनी के द्वारा जल्दी आपको ये आपके फ़ोनों में देखने को मिल जाएगा। यही थी कुछ अपडेट इसी पबजी को लेकर। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है BSNL की तरफ से, जहाँ पर BSNL ने स्पेशल IPL के दो प्लान को लॉन्च किया है, जिसका 199 और दूसरा है 499 का प्लान जो कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। खास बात बता देना चाहता हूँ, इन दोनों में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डाटा दिया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं तो 199 में इसमें आपको डेली का 1GB डाटा, वैलिडिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी। और इसमें आपको SMS के द्वारा क्रिकेट अलर्ट दिया जाएगा। और अगर 499 प्लान की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 90 दिनों की वैलिडिटी दी जाएगी और इसमें आपको SMS अलर्ट दिया जाएगा और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को मिल जाएगी। यही थी कुछ अपडेट इसी BSNL के दो प्लानों को लेकर। और अगली टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अगली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर Amazon की तरफ से, अगर आप भी कोई Apple का फ़ोन लेना चाहते हैं तो Amazon पर चल रही है Apple फर्स्ट सेल। अगर आप भी कोई Apple का फ़ोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 17,000 रुपये तक छूट दी जा रही है। अगर आप भी iPhone 6, 7, 8, 9 कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 17,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी कोई लेना चाहते हैं तो आप इस सेल के दौरान ले सकते हैं। ये सेल 7 दिन तक चलेगी
अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप इसे फ़ोन को ले सकते हैं। और यही थी भी कुछ अपडेट जो इसी अमेजोन को लेकर निकल कर आ रही थी। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।